वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, बस कुछ तो है। वो जो आप कह रही थी कि आपको बातें सुनने को मिल रही है कि अगर आपकी मंगनी हुई है तो क्यों आप सानिया की मंगनी सानिया, हुई सानिया हुई की है सॉरी मंगनी हुई है तो क्यों वो जाती है शेहरयार, तो मुझे उस अच्छा उस लग पे रहा है, आपका क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मिस्ट्री हमें ऑब्वियसली अब तभी रिवील होगी जब हम क्योंकि फिल्म जब हम देखेंगे। किसी और फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो हम लोग भी अज्यूम कर रहे होते हैं ये होगा अब ये होगा ये, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है कि लोग इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो भी। शेहरयार टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, यू प्लेइंग अ स्ट्रगलिंग एक्टर, So I guess life imitates art, imitates life, kind of a situation. Oh, so you still consider yourself a struggling actor? The struggle is real, Hasan. The struggle stays constant. जिस मिनट आपको ये लगे कि struggle खत्म हो गया तो आपने हाथ पैर चलाना छोड़ दिए तो आप पानी में तैरते थोड़ी रहेंगे, हाथ पैर चलाते तभी तो आप you stay afloat. So the struggle is real. I'm struggling, you know, and I will continue to struggle. हसन मन की एक चीज आपको बताती हूँ, जब हम लोग शूट कर रहे होते थे, कैरेक्टर के बारे में बोला ही नहीं देती, नहीं नहीं honestly मैं शेरी ऐसी होता था शेरी याद रखूंगा कि आपके कैरेक्टर के बारे में याद रखूंगा मैं इनके ही। आपने भी जिस तरह से बोला कि आप लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब कोई हम सीन कर रहे होते थे तो अच्छा एक्ट्रेस इवन मैं भी दो तीन टेक्स के बाद मैं कहती थी आसिम मिल गया ओके डन बस अब नेक्स्ट करते हैं, तो शहरयार आसिम हम ऐसे कर लें आसिम हम ये कर लें, तो मैं कहती थी अच्छा थकते नहीं है, इतनी वेरिएशंस मतलब एक फीते पे अगर मैं काम करता तो मुझे तो किसी ने लेना नहीं किसी था, ने लेना था। लेकिन एक एक हर जो इनका सीन होता था जो ये एक्ट कर रहे होते थे वो डिफरेंट होता था एक दूसरे से, तो मैंने ये चीज भी इनसे बहुत सीखी है। बोला जो मैंने आपको रात को नोट्स दिए थे क्या क्या बोलना है वो पॉइंट्स नहीं हिट किए आपने, मैसेज चेक करने में भेजे हैं आपको उन्होंने देखे, लेकिन उन्होंने आपको सवाल बुला दिया, सवाल मुझे बुला दिया आपने जवाब देने का देखिए मैं आपको एक बात बताऊं उस सवाल पे मैं आ जाऊंगा, सवाल बुला दिया। बट जब जब अगर लीड एक्टर खुद प्रोड्यूसर भी होता है ना तो वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज होता है, हो जाता है, फिर आप अपने आप के बारे में एज एन एक्टर छोड़ के अपनी फिल्म के बारे में एज ए प्रोड्यूसर ज्यादा सोच रहे होते हो, सो सच्ची जो बात है मेरे ख्याल में ये वाला सवाल इनका पूरा होने देते हैं, ये वाला सवाल पूरा होने देते हैं। बट आई थिंक कि अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह से बिकॉज आई वाज बिजी विद द प्रोडक्शन वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं प्रॉब्ली एज अ मेल एक्टर अपने आप को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाता फिल्म को भी, पर अच्छी बात ये हुई कि इतनी बड़ी एंसेंबल कास्ट है कि जहाँ पे मैं हल्का यू नो इफ आई टेक अ ब्रेक देयर सो मेनी पीपल टू पिक इट अप फ्रॉम, यू नो विद माया विद बत्सा विद with Zara, with Rachel, with Fahim, Rachel, Fahim, Shehbaz, with Shehbaz, with Mahira, you know, so the names don't stop, you know, so that's that way I'm lucky. Mere character ki baat karte hain. Mere character ki baat karte hain. No, my character is a struggling actor. And life imitates art. Art, yeah. And sometimes art imitates life. So, The premise is that he's a struggling actor. He wants to get into films. He has big dreams of getting into films. लेकिन वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं ज़िंदगी में. और जो है वो एक well off घर से हैं, लेकिन घर को छोड़ के आ गए हैं वो. Because उनको लगता है कि जो है मेरा struggle तब तक नहीं होगा जब तक you know I. अच्छा ये तो वाकई कुछ. ये तो वाकई कुछ. कुछ शेहरयार मुनव्वर की कहानी लग रही है. आपका शेहरयार है फिल्म में. ये मुझे इतनी मुश्किल हुई है हसन इस नाम के साथ. पहले आपका नाम कुछ और था. मैं कैरेक्टर नहीं बता पाऊंगा. देखिए ये कैरेक्टर बताने देंगी नहीं मुझे. आपका अच्छा अभी तक नहीं हुआ. नहीं नहीं आप यू गो ऑन. आप क्या कह रही थी मुश्किल किस बात पे हुई है. शेहरयार का नाम. शेहरयार नाम कुछ और था पहले जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था बहुत पहले. तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है. और इसके बाद रिहर्सल्स के टाइम पे इनका नाम चेंज हो गया और शहरयार हो गया. अब आप ये सोचें कि मैं शहरयार मुनव्वर के साथ रिहर्स कर रही हूँ या शहरयार के साथ. अब वो कुछ भी करते थे ना मैं कहती थी शहरयार अब मैं गुस्सा किस पे करूँ मैं बात किस से करूँ. तो ये इतना मुझे तो आप शहरी और शहरयार में नहीं सोचा. मैंने तुम्हें गुस्सा करने का मौका कब दिया था. कब नहीं दिया था. अच्छा यू डोंट कॉल हिम शहरी. नो आई डोंट कॉल हिम. शी डजंट कॉल यू शहरी. नो नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल. इट्स अ वेरी फॉर्मल. But it's no, I think yeah. it's good. It's good. This I like Sheheryar. I call you Sheri. No, I like Sheheryar. Sheryar's nice. I like it when you call me Sheheryar. Yeah. Thanks. Okay, going back to you. Going back to my character. So why did you decide or why did everybody decide your name had to be Sheheryar?
It's a very interesting story. It just came down to the last week or 2 weeks, मतलब जब rehearsal शुरू होने वाली थी. शुरू में rehearsal actually दूसरे नाम से की थी हमने. बिल्कुल. दूसरा नाम क्या था? If I may ask. Sheheryar. Shehban. So Shehban was the original name. और I like Sheheryar more. I hope the audience does as well. But बात ये हुई कि after a certain point. As an actor, मैं आसिम का बहुत सर खा रहा था कि ये ऐसे करते हैं बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली दिस वॉज एज एन एक्टर वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड रोल फॉर मी बिकॉज देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस कैरेक्टर इट्स अ स्टोरी दैट्स जो का जिसका स्पैन कोई 2.5-3 साल का है एंड इट कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ द कैरेक्टर्स इवॉल्व सो एवरी टाइम द कैरेक्टर हैड टू इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी एज वेल दैट रिगार्ड सो जब आसिम का मैं दिमाग खा रहा होता था तो वो काफी दफा मुझे कहते थे कि यार बैठ जाओ मेरी बात सुनो हर दफा तुमसे चार सवाल पूछते हो इस दफा मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत अपनी तरीके से करो जिस तरीके से तुम रियल लाइफ में हो वैसे मुझे चाहिए और वो मैं मुझे अच्छा ये लगता है कि आप कोई कैरेक्टर बनाओ उसके साथ यू नो उसके पीछे छुप के सब कुछ करो सो उन्होंने इट वॉज हिज ट्रिक आई थिंक अ वीक बिफोर ही केम सर यार आई थिंक दिस नेम इज नॉट वर्किंग फॉर मी आई वॉन्ट टू चेंज इट टू शेहरयार So I think that was his trick that where he thought that maybe doing that will get a lot more. Maya, ये शेरी की बायोपिक तो नहीं लग रही आपको कि कहे 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 खुल के साथ नहीं नहीं I don't सीन कर देंगे ऐसा ना क्या कर रहे नहीं to be honest there are a lot of ये एक स्क्रिप्ट है जो 5 साल पहले लिखना शुरू की गई थी इमरान साहब और आसिम साहब ने शुरू की थी इमरान साहब एक बहुत बड़ा नाम है जैसे हम सारे जानते हैं यू नो आसिम वाज एंड ये होमन जहां से पहले बननी थी अच्छा एंड ये जी जी बिल्कुल ये स्क्रिप्ट शुरू की गई थी वी वर सोल्ड ऑन दैट वन लाइनर जो इमरान साहब का 5 साल पहले का था और इसलिए वो वहां से उठी सो जब टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ फ्यू लाइंस जब ये वन लाइनर लिखा गया था तब मैं पिक्चर में भी नहीं था एंड अच्छा ये बात मुझे वैसे कल पता चली है ये पता चली है सो मैं पिक्चर में भी बिल्कुल नहीं था बट इट वाज समथिंग दैट आई हैड रेड और मेरे दिमाग में वो बात फंसी हुई थी जैसे ही हमने होमनजा खत्म की तो मैंने कहा हसन ये करनी है तो बस देन इट टुक टाइम टू गेट दैट स्क्रिप्ट रिटन आई थिंक हसन जो होना होता है ना वो होना होता है लाइक वो आप कभी कुछ चीजें प्लान नहीं करते अब जैसे आपको पता है कि ये मैं भी नहीं कर रही थी पहले फिल्म पहले माहिरा ही कर रही थी और फिर जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तो मैंने कुछ सवाल नहीं किया कि क्या हुआ कैसे हुआ बस आसिम थे आसिम कह रहे थे शेहरयार थे बीच में तो मैंने हाँ शेहर एज अ प्रोड्यूसर मुझे ये बताएं कि माया को आपने कैसे डिसाइड किया और कब डिसाइड किया कि आपने कोई जब नहीं रहेगा ना किसी ने सबने जब ना कर दिए तो मैंने कहा चलो माया को कॉल करते वाकई ये मैंने माया को एक बात बोली है देखें मैं इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट दिस मेरे 2017 का एक इंटरव्यू है उसमें मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप ये तो मैं 2017 का जो वो है ना आप किसके साथ काम करना चाहते हैं हाँ जी तो वो जाके उसमें जवाब पड़ेगा मेरा क्या मैंने कहा था मैंने माया के साथ काम करना है 2017 में कहा था माया देखे आप सोचे और आप पूछ रहे हैं फिल्म से पहले हमने काम कितना किया एक दूसरे से बात तक नहीं करते जी इससे पहले हमारा बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फिल्म तो अच्छी दोस्ती होगी ना आप तो बिसाइड्स द फैक्ट कि आपको शेरी नहीं कहती शेरयार कहती हैं नहीं मैं एक्चुअली इन्हें कभी शेरी नहीं कह सकती इवन कोई ने शेरी कह भी रहा होता तो क्या क्यों क्यों शेरयार अब मुझे याद है रिमेम्बर हम लोग जब गए थे उधर स्टूडियो तो किसने मुझसे कहा था कि तुम शेरी क्यों नहीं कह रही है तो मुझसे नहीं कहा जाता किसने कहा था ये हम लोग अच्छा उसमें तो पूरा हां एग्जैक्टली चलो But ha, so at what point you decided that you wanted Maya? So I always wanted to work with Maya. I'll tell you why. नहीं नहीं मैं बताता हूँ. But you didn't offer the role to her before. नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ एक एक it wasn't वो एक मेरी ख्वाहिश थी to work with her. It wasn't with this project or any other project. I think somewhere आपका एक beverage का एक ad था जो आपने किया था आसिम साहब के साथ. वो 2016 था 2017 था 2017 था. 2017 था? I think so. 16 and 17 का ऐड था मैंने वो देखा था और मुझे उससे पहले ऑब्वियसली माया की का बॉडी ऑफ वर्क इज ह्यूज यू नो बट उसको देख के मुझे कुछ मतलब लेकिन मैं आप सबको ये बात बता दूं कि जब हमने पहली बार ये काम किया था एक मैगजीन का कवर शूट था हमारा तो उसमें इनको ये लगता था कि मैंने इनसे बहुत रूडली बात की थी अगर बहुत रूडली बात की थी ऐसा कुछ नहीं था लेकिन उसके बाद फिर हमने और काम किया हमने एक दूसरे से बात ना की पर वो 2017 भी उसी में गुजर गया आपके फटे चलते रहे बेसिकली पता नहीं मुझे नहीं समझ आया इन कैन पे क्या चल रहा था
ये देखें मैं आपको बताऊं सर क्या हो रहा है ये, मैं आपको मैं बताऊं ये फुल्स के अंदर मसाला लगा रही हैं, ये सब कुछ व्यूज के लिए हो रहा है। आप लोग जो भी देख रहे हैं आप समझे ये व्यूज के लिए हो रहा है सब कुछ। और मुझे बहुत टाइम लगा हसन और ये मिले हुए सारे सारे। अच्छा मुझे लगता है मेरा मैसेज के बाद आपको हसन का मैसेज भी आया है आपको। अच्छा एनीवे बताने दो ना मुझे। सो एनीवे मैंने वो देखा था इनका एंड फॉर सम रीजन आई यू नो आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड मैंने आसिम को भी बताया मैंने कहा था इसका नहीं ये इनका कब से हो गया इंटरव्यू के लिए। अच्छा जी बिल्कुल। तो मैंने देखा था एंड मैंने जाके आसिम को भी बोला मैंने कहा आसिम दिस इज अमेजिंग एंड ही सेड या यू नो माशा मेरे ख्याल से आसिम से दूसरी दफा काम था आपका उनका वो वाले उस वाले एड में दैट वाज जस्ट असाइनमेंट। तो उन्होंने कहा या यू नो आई वर्क विद हर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एज़ वेल एंड माशाल्लाह शी रियली शाइंस ऑन स्क्रीन she really grabs it. तो हमारी एक छोटी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद मेरी एक और फिल्म थी तो उसकी प्रमोशन में आप देखेंगे 2017 का एक इंटरव्यू है मेरा उसमें मैंने ये बोला भी था मैं आज ही ढूंढ के ला दूंगा ये आपको व्हाट्सएप करूंगा वो लाइन आपने निकालनी है इसके बाद लगानी है। तो मैंने कहा था मैंने करना है तो वो मेरे दिमाग में था कि मैंने करना है विद दिस ऑब्वियसली व्हेन इट वाज कंसीव्ड एट दैट पॉइंट आसिम हैड वांटेड टू वर्क विद मायरा। मायरा से ऑब्वियसली एक लंबी यू नो एसोसिएशन रही है शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल एंड आई वाज आल्सो रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हर। बट फिर हुआ ये कि देयर वर सम इश्यूज इन द मिडल विद डेट्स एंड ऑल। सो व्हेन दैट हैपेंड क्योंकि जब हम इनिशियली कर रहे थे तब इमरान साहब वाज नॉट फीलिंग वेल एट दैट पॉइंट एंड एक चीज वो सो दैट अलाउड अस एक मोमेंट जहां पे वो डेट्स का इशू आया एंड देन वी रीच्ड आउट टू माया एंड वी वर लकी इनफ दैट शी हैड दैट टाइम एंड शी अग्रीड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। माया आपने तो बताया आपने सोचा नहीं फिर जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो आपने फौरन ओके कर दिया कुछ तो नहीं कुछ तो स्क्रिप्ट के बारे में।